हेलो फ्रेंड्स, आज हम होली स्पेशल गुजिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही अलग तरह के नए तरीके से हम गुजिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो हम किस चीज़ से बनाएंगे? हम बनाएंगे छेने और रबड़ी से गुजिया, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, लजीज होंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसी तरह से नई नई रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें रसोई मीना के चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। छेना रबड़ी गुजिया बनाने के लिए हम एक कप मैदा लिए हैं फ्रेंड्स। तो गुजिया बनाने के लिए अच्छे से मैदा को हम छान लिए, यानी कि चाल लिए हैं यहाँ पर। अब हम इनमें भर के 2 चम्मच से 3 चम्मच देसी घी लेंगे। आप वनस्पति में भी बना सकते हैं और रिफाइंड में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे, कहते हैं ना, मीठा पर थोड़ा नमकीन हो तो अच्छा हो, तो बस चुटकी भर नमक। और इनमें अजवाइन की जगह पर हम जीरा लेंगे चुटकी भर, हथेली पर क्रश करके, और सबको अच्छे से मोइन कर लेते हैं इस तरह से। तो मोइन को हम अच्छे से, देखिए, मोइन कर लिए हैं। तो जितना अच्छा से मोइन होंगे उतना ही बढ़िया गुजिया बनेंगे। तो हम यहाँ पे 1 गिलास पानी लिए हैं, तो 1 गिलास पानी नहीं लगेंगे इनको, चम्मच के सहारे या हल्का हल्का पानी लें। देखिए, करीब 2 चम्मच के करीब पानी लिए हैं, तो इनको अच्छे से हम गूंथते हैं। थोड़ा सा और पानी लेंगे हम, 2 चम्मच के करीब। अब हम अच्छे से यहाँ मिला लेते हैं, ज़्यादा पानी नहीं लेना है आपको। तो डो को ना सख्त लगाएं ना गीला लगाएं, मतलब कि एकदम मुलायम भी नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम होना चाहिए। चलिए हम इनको अच्छे से डो तैयार करते हैं। तो हम डो को अच्छे से लगा लिए हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है ये, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा मुलायम। और यहाँ पर हम पानी टोटल 6 चम्मच लिए हैं अपने अंदाज से, पूरा पानी बच गया है। अब हम इनको रेस्ट पर रखते हैं। अब हम छेना मतलब स्टफिंग के लिए तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 छेना लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और हम 1 प्लेट ले लेते हैं। बोलिए कैसे भराएगा मैम, मतलब स्टफिंग कैसे होगा? तो अब हम बताते हैं आपको। छेना को प्यार से इस तरह से इनका जूस निकाल देना है, यानी कि चाशनी निकाल देना है, और रफली इनको इस तरह से तोड़ लेना है। तो हम सारे छेना को हम तोड़ लेंगे। तो हम सारे छेना को फोड़ लिए हैं अच्छे से। अब यहाँ पर 3 से 4 काजू, 3 से 4 बादाम और करीब 8 से 10 किशमिश को हम 2 टुकड़े में कट कर लिए हैं। यहाँ पे 3 इलायची को हम कूट लिए हैं दरदरा, और अब हम अच्छे से इनको मिला देते हैं। तो अब हम जो डो लगा करके रखे थे गुजिया बनाने के लिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं चकली, और इनको अभी रखेंगे क्योंकि हमको इनमें ढक के रखना है। थोड़ा सा इस बार इस तरह से इनको मसाज कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आप अपने अनुसार छोटा छोटा सा इस तरह से कट कर लें। थोड़ा सा और इनको फैला देते हैं लंबा इस तरह से, और छोटे छोटे पेड़ा को हम कट कर लिए हैं। एक पेड़ा को हम रख लेते हैं और इनको फिर से हम टॉवल से ढक देते हैं। यहाँ पे इनको इस तरह से घुमा दें गोल, नहीं तो हथेली पर ले इस तरह से, और आराम से इनको चिपका दें और इनको बेल लें। बिल्कुल गुजिया वाला पूरी बेल लें इनको। तो यहाँ पे हम अच्छे से बेल लिए हैं। आप चाहें तो इनसे बड़ा भी बना सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर सेंटर में लेंगे स्टफिंग, देखिए, और जो एजेस बचे हुए हैं यहाँ पे हम पानी ले लेंगे हल्का सा, ब्रश से न लगाए, नहीं तो पूरा हमारे जो गुजिया बना रहे हैं यहाँ से ऐसे इनको पकड़े और आराम से इनको चिपका दें, बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। आप चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम हाथ से ही बनाएंगे, देखिए। और आपको अब हाथ से बनाने के लिए हम आपको बताते हैं, यहाँ से फोल्ड करें इस तरह से, बहुत ही आराम से बन जाएंगे। ये देखिए कितना आसानी से ये बन जाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया से बन गए हैं। तो इसी तरह से हम सबको बना लेंगे। गुजिया को हम भर के रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको तल लेते हैं, फ्राई करते हैं। यहाँ पर हम घी गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। घी ऐसा गर्म होना चाहिए कि ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो, बिल्कुल मीडियम, और मीडियम आंच पे। तो चलिए अब हम एक गुजिया उठाते हैं और घी में हम, तो नए अगर हैं बच्चे हमारे तो उनको इस तरह से लेना है, ऐसे रख देना है बिल्कुल आहिस्ता से। घी बहुत अच्छे से, मतलब जैसा चाहिए वैसा गर्म है। तो देखिए इसी तरह से रखना है आपको जितना आ जाए। और फ्राई पैन में हम इसलिए लिए हैं कि घी इनमें कम लगता है, तो इसलिए हमको कढ़ाई में फ्राई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ले लेना है, ये बच्चे भी और बड़े भी बहुत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए इनको 1 मिनट छोड़ देते हैं इस तरह से।
हम इनको पलट लेते हैं इस तरह से, बहुत आसानी से पलटा भी जाएंगे। तो देखिए सबको हम पलट लेते हैं इस तरह से। तो हम अब बारी बारी से गुजिया को निकाल लेते हैं। अब बोलिए कितना देर रखना है मैम घी में? तो बस फिर से वही जवाब होगा कि 5 मिनट उलट पुलट करके आपको अच्छे से सेकना है और 5 मिनट इनको तेल में मीडियम आँच पर सेकना है। इस तरह से घी को संगार लें, ना छनौटा के झंझट ना ही कोई चम्मच का झंझट। तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से ये बना लेंगे इस बार की होली में। ये देखिए सारा घी भी निकल गए। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बना लेंगे। दूसरा बैच को भी हम इसी तरह से लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा वाला बैच भी हम फ्राई कर लिए बहुत ही आसान तरीके से। अब हम प्लेटिंग करेंगे। अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए आपको इस तरह से गुजिया को ले लेना है। ये देखिए, और अब इन पर डालिए ढेर सारे रबड़ी। ये देखिए इस तरह से रबड़ी को डाल दें और एक गुजिया को हम आराम से आहिस्ता से यहाँ से कट कर लें। इनको बहुत आराम से कट कर जाएंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया है ना। और अब उस पर से थोड़ी सी काजू और किशमिश तो बनता है ना, ये देखिए। और थोड़ा सा जैसे शहद चुते हैं उस तरह से इन पर शहद चुला दीजिए। तो हमारा भाई छेना गुजिया रबड़ी वाला बनकर तैयार है, होली स्पेशल। और कैसी लगी हमारी छेना गुजिया आपको? तो अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।